हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा जब आपके क्रेडिट कार्ड में रिफ़ंड बिल जनरेट होने के बाद हो। मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मान लीजिए आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग्स की हैं और जैसे मैं आपको अपने जो है क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखा दे रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने अपने कार्ड स्टेटमेंट में क्लिक किया, आप देख सकते होंगे यहाँ पर, और कार्ड स्टेटमेंट में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक किया, तो आप जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने 4/12/2020 को मैंने 2647 रुपये का शॉपिंग किया था अमेजोन के वेबसाइट से, और उसके जो है 10 दिन बाद मुझे 6 से 7 दिन बाद मुझे उस प्रोडक्ट में कुछ कमियाँ मिली, तो मैंने अमेजोन को रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दिया। तो 2 से 3 दिन मुझे जो है रिफ़ंड प्रोसेस होने में लग जाता है, क्योंकि पिकअप में आपको टाइम लग जाता है। और मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है 21 तारीख को, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 तारीख को ऑनलाइन शॉपिंग की है और मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ 21 तारीख को। तो क्या आपको जो है जो ये रिफ़ंड आने वाला है अमेजोन की तरफ से, क्या इस ये भी जो है आपके बिल में जनरेट हो जाएगा? मतलब जो है आपको ये टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपके क्रेडिट कार्ड में वो क्रेडिट नहीं हुआ है, और क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट होगा उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगा नहीं, वहाँ पे चेक नहीं होगा, तब तक आपको रिफ़ंड मिलेगा नहीं। और जब रिफ़ंड इनिशिएट हो जाएगा तब उसके बाद भी आपको 3 से 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं आपके जो है क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट होने में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि क्या आपको जो बिल जनरेट हुआ है 2647, जैसे मैंने 2647 का शॉपिंग किया था, तो क्या वो मुझे 10 या 20 दिन के अंदर वो 2647 रुपये भी पे करना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको 2647 रुपये भी पे करना होगा। तब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जो मैंने 2006 मान लीजिए आप तो SBI को 2647 रुपये पे कर दीजिएगा, बट जो अमेजोन को रिफ़ंड आएगा अमेजोन की तरफ से इस क्रेडिट कार्ड को, तो वो पैसा क्या होगा? तो वो पैसा आपके नेक्स्ट मंथ के बिल जनरेशन में माइनस हो जाएगा, यानी 2647 रुपये। जैसे मैंने 2647 रुपये का शॉपिंग किया था, तो नेक्स्ट जो मैं शॉपिंग करूँगा, ये मैंने SBI के कस्टमर केयर से पता किया है, तो सोचा मैंने, हो सकता है कि हर कार्ड का अलग अलग हो सकता है, इस पर मैं कोई कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ तक मैं SBI में के लिए एक 100% कन्फर्म बात कर सकता हूँ, क्योंकि जब आपका नेक्स्ट बिल मंथ में जनरेशन होगा बिल का, तो इसमें आपका 2647 रुपये माइनस हो जाएगा। ये जो रिफ़ंड आएगा वो SBI एडवांस पेमेंट के रूप में रख लेगा अपने पास। तो इसमें तो आपको जो बिल जनरेट हो गया उतना आपको पे करना ही है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।